आर्य समाज स्टेशन रोड पर साप्ताहिक सत्संग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सतीश चंद्र आर्य द्वारा डॉक्टर राम मुनि शशिपति की यजमानी में यज्ञ कराया गया। संध्या यशपाल ने कराई और गीत अमरीश गर्ग ने सुनाया। इस अवसर पर अमरनाथ ने बताया कि वेद ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है, लेकिन इसको सीधे जानना आसान नहीं है। वेदों के ज्ञान को समझने के लिए निरुक्त और अष्टाध्यायी को पहले समझना होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद ज्ञान को जानने के लिए ऋग्वेद आराध्य भूमिका लिखकर उसका सरलीकरण किया और वेद ज्ञान से समझने के लिए इन पुस्तकों को पढ़ना आवश्यक है। कुछ लोग सीधे वेद मंत्रों को पढ़कर गलत अर्थ लगा लेते हैं। सम्मानित मंच, मेरा सभी आर्यों से अनुरोध और जितने भी हमारे ये प्रतिनिधि सभा आर्य सभा के सदस्य हैं, इनका भी धन्यवाद। इसमें सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे आर्य जो हमेशा हर साल कोई ना कोई आर्य गुरु पुराना सिद्ध ये आर्य वीर शिविर लगाते हैं। ये भी एक गर्व की बात है, पर इसके साथ साथ हमारे अंदर से थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं, वो आने वाले जो समय है उनको हम ध्यान में रखते हुए उन कमियों को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा भी हमारा आर्य उपद्रवी सभा का कोई भी किसी प्रकार का संविधान है वो हमें दिलवाया जाए ताकि हम उसको पढ़ के उसके अनुसार कार्य करें और जो भी व्यवस्थाएं समाज की हैं ऑन रजिस्टर होना चाहिए जैसे बताया और उसके अनुसार सब कुछ सूचना जानी चाहिए और मीटिंग कितने साल में होनी चाहिए, एक हो या दो हो या तीन हो आर्य प्रतिनिधि सभा की, उसका भी हमें सबको पता होना चाहिए। हम उसके अनुसार कार्य में आगे बढ़ें जिससे कि कोई भी सज्जन आए ना आए उसका दोष है, आए ना आए उसका दोष है, हमें अपना काम पूरा रखने के लिए प्रश्न करना चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।